हाय गाइस, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेके जॉब अपडेट। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र एडमिट कार्ड्स के हवाले से। वेरियस कैंडिडेट्स को इशू आ रहा है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, तो आपने अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको प्रोसेस बताऊँगा। हाँ, सच में कुछ कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड्स अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप जेके एसएसबी के वेब पोर्टल पे विजिट करोगे, जब आप लिंक पे क्लिक करोगे जो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स में आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पर याद रहे, आपके आपके पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है एंड एप्लीकेशन नंबर है। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है। जो आपके पास पीडीएफ है या हार्ड कॉपी है आप उसको गौर से देख लीजिए, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद सिंपली आपको अपना DOB डालना है, ठीक है, जो भी आपका DOB है वो आप एंटर करोगे। देन यहाँ पर नीचे आपको कैप्चा फिल करना है। कैप्चा मीनस यहाँ पे जो टेक्स्ट लिख के आएगा आपके सामने कुछ भी आ सकता है, अकॉर्डिंगली आपको नीचे इस बॉक्स में वो फिल करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें फिल करोगे उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद नीचे आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। याद रहे, एप्लीकेशन नंबर डालना है ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद DOB, देन कैप्चा। जो टेक्स्ट आपके सामने वेरिफिकेशन कोड में जो टेक्स्ट आपके सामने आएगा वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो उसके बाद इजीली से आपके सामने आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप उसे प्रिंट आउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अब जिन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड्स अवेलेबल नहीं है उनको क्या करना है, उनके लिए JKSSB ने एक रास्ता रखा है। JKSSB ने कहा है यहाँ पे क्लियरली कि अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के रिलेट, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली JKSSB ने एक ईमेल आईडी दी हुई है, आप इस मेल पे उन्हें ईमेल कर सकते हो, helpdesk.jksb@gmail.com। या जो जम्मू के कैंडिडेट्स हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0191246135। एंड जो कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 0194243508। याद रहे, फ़ोन ये आपको खाली वर्किंग आवर्स में उठाएंगे, यानी दिन में सुबह 10 से लेकर 4 तक, इस टाइम में आपकी ये जो फ़ोन कॉल्स है वो रिसीव करेंगे। एंड ईमेल आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो, तो आपने सिंपली एक ईमेल कर देनी है, ठीक है। आपको वहाँ पे मेंशन करना है ईमेल में कि हमारा एडमिट कार्ड ये अवेलेबल नहीं है, हम सोशल वेलफेयर सुपरवाइज़र के एस्पिरेंट से हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं बट हमारा एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है। आप सिंपली अपना एप्लीकेशन नंबर, नेम, DOB सब वहाँ पे ईमेल में मेंशन कर देना और इनको फॉरवर्ड करना। उसके बाद ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो अवेलेबल कर देंगे, वो होस्ट कर देंगे वेबसाइट पर, क्यों नहीं करेंगे। आपने हार्ड वर्क किया, आपने पढ़ा है, आपने फ़ी भरा है, तो लाजमी ये आपकी सुनेंगे, इनको सुननी है, इनका काम ही यही है। तो फिर भी स्टिल अगर किसी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना नहीं आता है, आप सिंपली मुझे अपना अपनी जो डिटेल्स है, एप्लीकेशन नंबर, DOB, वो आप मेल भी कर सकते हो या व्हाट्सअप नंबर पे भी सेंड कर सकते हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो वहाँ पे जाके भी आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हो। मैं क्योंकि बहुत सारों के मैंने एडमिट कार्ड्स ऑलरेडी से डाउनलोड किए हैं, कम से कम आज दिन में मैंने 40-50 एडमिट कार्ड्स डाउनलोड किए हैं, जो बता रहे थे हमारे एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है, आप गलत चीज़ें यहाँ पे डाल देते हो तभी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। तो यही तरीका है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, बाकी जिनके अवेलेबल नहीं है वो मैंने आपको तरीका बता दिया है आपको क्या करना है। तो जितनी ज़्यादा आपकी ईमेल JKSSB को जाएगी, JKSSB इसको देखेगा, लुक आफ्टर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपडेट आएगी JKSSB की तरफ से एंड आपका एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा जिनके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल नहीं है। बट इसके लिए आपको करना क्या है, ईमेल JKSSB को एनी हाउ करनी ही है और वर्किंग आवर्स में आपको कॉल भी करनी होगी, अपना इशू इन तक पहुँचाना है। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आगे पहुंच जाए। तो ओके, थैंक्स, ये थी अपडेट, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।